हम आ चुके हैं मखौड़ा धाम में। इस साइड से जो है जब भी आप अगर आएंगे तो आप स्वामी नारायण छपिया मंदिर के साइड से सवारी मिलती है। आप उधर साइड से आएंगे तो इधर से स्वामी नारायण छपिया मंदिर भी जा सकते हैं और उधर से आ भी सकते हैं। और अगर इस साइड ध्यान देंगे तो यह साइड विक्रम जोत साइड जो मतलब हाईवे वाला रास्ता है वह है, और ठीक उसी के बीच में यह मखौड़ा धाम स्थित है। इसका प्रवेश द्वार वहाँ दिया गया है मगर हम इधर हैं। ये देखिए, अगर आप विक्रम जोत साइड से आते हैं तो ये रहा उसका प्रवेश द्वार मखौड़ा धाम। कुछ इस प्रकार से यह मंदिर परिसर है। तालाब है इधर, इसके सामने भी एक पूजा स्थल है। अभी हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाते रहते हैं। आइए चलते हैं नीचे आगे की तरफ। नीचे की तरफ जाने पर हम देखते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ भी देखा जाता है। लेकिन जैसा क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो है अभी भी काम चल रहे हैं। जितनी भी मंदिर हैं इस समय उनका नवनिर्माण का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये परिसर का है अंदर ब्लॉग में, इधर साइड में परिसर के अंदर आकर देखते हैं। बाबा जी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये भी महादेव जी का मंदिर है। परिसर के अंदर आकर देखते हैं। बाबा जी लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और ये भी महादेव जी का मंदिर है। वह कौन सी हम कौन है जिसको अभी तक प्रज्वलन हो रहा भाग में प्रज्वलन अभी तकता नहीं है। अभी जो है इधर पूरा परिसर इसको बनाया गया धर्मस्थली के रूप में। यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना होने है। हम यहाँ पे जो है श्री राम यज्ञ में आ चुके हैं जहाँ पे महाराज दशरथ जी के द्वारा यज्ञ किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया था जो काफ़ी दिनों तक चला और जिसकी वजह से श्री प्रभु चारों पुत्रों की उत्पत्ति हुई, प्रभु श्री राम समेत चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से यहाँ की यही कथा है और ये हमने आपको दिखा दिया। ये वो हवन कुंड है जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया हुआ था और यह अयोध्या परिसर से लगभग 38 से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप साधन अपने साधन के अलावा दूसरे साधन से आ सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 स्थानों पर जगह बदलने होंगे जहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसका नाम मखौड़ा धाम के नाम से यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऐसी मान्यता है कि पुत्र रत्न अगर आपके पास पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है
और आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे होता है हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार यज्ञ हवन कराए जाते हैं। यज्ञ हवन के द्वारा ही यदि आपको पुत्र रत्न प्राप्त होता है, यदि नहीं समझ लीजिए कि 100% आपको पुत्र प्राप्त होना सुनिश्चित माना जाता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद आपको पुनः यहाँ पर एक हवन और कराना होता है जिससे आपकी इच्छा परिपूर्ण मानी जाती है। और नदी का जलस्तर इस समय थोड़ा कम है और यह नदी मनोरमा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि इसका नाम मनोरमा नदी रखा गया है और यह परिसर बनाया गया है कि जैसे किसी प्रकार की कथा वार्ता यज्ञ इत्यादि होने में किसी भी अन्य लोगों को या जो लोग यहाँ पे हवन सामग्री इत्यादि कराने आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है इस चीज़ को। मंदिर परिसर में परिक्रमा के लिए चार दिए गए हैं जिनका चार ऑप्शन है। सूत्र द्वारा देखा जाएगा मंदिर परिसर का पूरा व्यू। ये एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे आप घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, जहाँ चाहें आप घूम सकते हैं टहल सकते हैं। काफ़ी अच्छी दूरी तक है ये, डिपेंड ऑन। मंदिर परिसर का व्यू कुछ इस तरह से रहा। आइए दिखा देते हैं इसको। यहाँ का जो महत्व है वो आप देखेंगे तो हमारे पीछे ये जो फिगर आउट बना हुआ है कि महाराजा दशरथ जी ने यहाँ पे यज्ञ किया हुआ था, उसी के बारे में ही यहाँ परिपूर्ण रूप से है। और यहाँ पे जितने भी परिभाषाएं हैं, मतलब एक तरह समझ लीजिए वो हवन कुंड अभी तक जला जला आ रहा है और जलेगा आगे भी। और यहाँ उन्होंने पुत्रवत यज्ञ किया था जिसकी वजह से पुत्रवत प्राप्ति है, तो यहाँ पे हवन कथाएँ होती रहती हैं जिसके लिए भी आप यहाँ उसके लिए भी आ सकते हैं और जिसके लिए आपकी इच्छा हो आप उसके लिए। आइए दिखा देते हैं इसको।